इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसको एलसीएम लीजिएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, लंबा कैलकुलेशन होगा तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का कोई वैल्यू पुट करेंगे और बी का कोई वैल्यू मांग करके पुट करेंगे, और उससे जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पे पुट के ऑप्शन में उस वैल्यू को पुट करने से आना चाहिए, वही आंसर जो अगर सही आ गया तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए को मान लिया हम लोग 30 डिग्री और बी को मान लिया हम लोग 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री अब यहाँ पर पुट कर दे देंगे, साइन 30 डिग्री का हो गया 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का हो गया √3/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री का हो गया आपका √3/2 और कॉस 60 डिग्री का हो गया आपका 1/2। सिमिलरली यहाँ √3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो ऊपर आएगा 1 प्लस √3/2 डिवाइडेड बाय इसका आएगा √3 प्लस माइनस 1/2 प्लस इसको सॉल्व करिएगा तो √3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3/2। देखिए 2 2 2 2 कैंसिल आउट हो गया आपस में। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ कैंसिल आउट हो गया, जिसको आप लिख देते कोई क्या बचा आपके पास 1 √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1 बाय इसको देखिए 1 यहाँ से 1 माइनस 3 है ना, तो माइनस यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया, ये प्लस में था तो 1 माइनस में हो जाएगा, √3 माइनस में था √3 प्लस में था। देखिए √3 प्लस में 1 माइनस में, अभी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा √3 माइनस 1। ये देखिए सेम है तो 1 प्लस √3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस है, माइनस √3 प्लस 1 को माइनस में इंटू होगा तो −√3 और ±1। ठीक है, देखिए √3 प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस में 1 माइनस कैंसिल, ऊपर क्या आ गया 0 और नीचे आ गया √3 माइनस 1। अब 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, आंसर इज 0, ऑप्शन बी सी इज द राइट ऑप्शन।